हेलो फ्रेंड, हम आपको बताएगा आज जो आयरन होता है इसका और किस तरह काम किया करता है और क्या क्या फॉल्ट होता है इसके बारे में हम आपको बताऊंगा। फ्रेंड देखिए, मैंने पहले से आयरन को खोल के रखा है क्योंकि वीडियो थोड़ा जल्दी होगा और आपको समझाने में अच्छा होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड, ये जो दो ब्लैक और रेड ये है सप्लाई जाता है, जो कि आयरन के अंदर सप्लाई जाता है। यार ये जो मेरे देख रहा है ये है प्रॉप, जो कि एक ग्रीन वाला जो देख रहा है ये है अर्थ, जो कि बॉडी अर्थ जिसको कहा जाता है। इससे ये मोटा वाला पिन के साथ कनेक्ट हुआ है फ्रेंड। ठीक है, आपको मैं प्रूफ भी यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए इसके साथ और ये जो ग्रीन वाला वायर है देख लीजिए, यहाँ पे एक साथ है। देखिए लाइट जल रहा है और ये जो फेज है आप देख सकते हैं, एल ये है, ये में हो सकता है रेड वाले में और ये है ब्लैक वाले में। देखिए इसका ये जो रेड और ब्लैक इस दोनों सप्लाई जाएगा, फेज और न्यूट्रल, और अर्थ जो होता है बॉडी अर्थ वो यहाँ पे अर्थ के सिंबल में इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए खुल लेता है। पहले इसको जो इसके अंदर जो रोटर स्विच होता है, जो हीट को एडजस्ट करने के लिए अंदर का रिले, उसको खोल लिया जाता है। खोलने के बाद आपको ऊपर के हिस्से के जो हैंडल होता है इसको यहाँ पे स्क्रू से लगा रहता है यहाँ पे, और इधर एक स्क्रू रहता है, इस दोनों स्क्रू और बीच में जो स्क्रू देख रहा है यहाँ पे, इस दोनों खोलने के बाद ये हैंडल निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो देख रहा है ये लाइट है, जो कि सिग्नल देता है इसके अंदर सप्लाई किया कि नहीं, ये इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर से आपको इंडिकेट हो जाएगा इसके अंदर लाइन कितना टाइम है और रिले कब काट हो रही है, रिले कब ऑन हो रही है, इसके बारे में पता चलेगा। चलिए इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। उसके बाद इसको सीधा कर दीजिए और बल्ब को अंदर दीजिए और खुल गया। तो फ्रेंड आपको चलिए दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, ये जो दिख रहा है पहले ये है कॉइल, राउंड से जो लगा हुआ है इसको हीटर कॉइल किया जाता है। इसके अंदर कॉइल है और ये हीट होने से ये प्लेट पूरी तरह हीट हो जाता है। इसके अंदर एक नाइक्रोम तार है जो कि इसको हीट करता है। इसके जो वाटेज है ये 700 वाट फ्रेंड, ज़्यादा हीट होगा क्योंकि ये 700 हज़ार इस तरह का होता है वाटेज। और इसको हीट को कंट्रोल करने के लिए, अब मान लीजिए कंट्रोलर नहीं होगा तो क्या होगा, ये हीट बढ़ता जाएगा, ये एक टाइम इतना हीट हो जाएगा जो किसी भी चीज़ को टच करने से जल जाएगा। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रिले लगाया गया है जो कि यहाँ से कंट्रोल होता है। जब इसको मूव करेगा किसी भी साइड पे, देखिए मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, इसको घुमाने से इसके अंदर जो रिले का जो पॉइंट है ये थोड़ा यहाँ पे आपको शायद नज़र नहीं आएगा क्योंकि एक छोटा सा जगह है जहाँ पे हम दिखाने के लिए आपको कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो पॉइंटर है ये पॉइंटर इस पाती से कनेक्ट हुआ है। देखिए ये जो पाती, इस पाती ज़्यादा हीट होने से थोड़ा ऊपर आ जाती है और थोड़ा जब भी थोड़ा ऊपर हो जाती है तो यहाँ पे जो पॉइंटर है और थोड़ा इस तरह आ जाती है। तब क्या होगा, यहाँ पे गैप हो जाएगा, जब गैपिंग हो जाएगा तो यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, तो थोड़ा हीट होने से ये थोड़ा फैल जाएगा, फैलने से ये इधर से लाइन काट हो जाएगा। और जब भी यहाँ पे हीट थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर से वो कनेक्शन ले लेगा फ्रेंड। ये इस तरह का रिले ज़्यादा टाइम, क्योंकि ये थर्मल रिले किया जाता है, हीट होने से ही काम होगा, इससे ने कोई ये थर्मल रिले काम ही ऐसा ही है, जो जितना हीट होगा उतना ये काम करेगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये सप्लाई फिर से चालू हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, यही है। और ये जो एलईडी देख, एलईडी नहीं है, ये बल्ब ही है, इंडिकेटर बल्ब, जो इसके अंदर एक रेगुलर रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पर,
यह देख सकते हो, और कुछ नहीं। और ये जो देख रहा है ये है जो हम घुमाते हैं, ये जो इस तरह रहता है। यहाँ पे आपको कॉटन, सिल्क, लाइलन इस तरह का एडजस्टमेंट करने के लिए जो हीट होता है उस टाइम से ये कट आउट हो जाता है फ्रंट। यही है इसका काम, और कुछ नहीं है फ्रंट। इसके बारे में कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हो, हम उसके जो फ्रंट जरूर दूंगा। थैंक यू फ्रंट। और एक फ्रंट आपको बताने के लिए, मेरे को उद्देश्य फ्रेंड ने कमेंट किया है, जो वीडियो अपलोड होने से हमारे पास नोटिफिकेशन आता नहीं है फ्रेंड। देखिए, जो आप तो सब्सक्राइब कर लेता है, करने के बाद पास को जो बेल आइकन है वो आप वहाँ पे नहीं क्लिक करता, नोटिफिकेशन नहीं ऑन होता है, इसलिए आपके पास जाता नहीं है। तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, आशा करते हैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड। थैंक यू।